सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का असल कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में दोनों ही टीम का दूसरा अभ्यास मुकाबला रेड कार्डिफ के स्टेडियम में खेला गया, जहां पर बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से भारतीय टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली की 47, केएल राहुल की 108 और महेंद्र सिंह धोनी की 113 रनों की तूफानी व शतकीय पारी के चलते भारतीय टीम आज बांग्लादेश की टीम 360 रनों का विशाल लक्ष्य देने में कामयाब हो पाई। और दोस्तों, इतना लक्ष्य ही काफी था बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में हराने के लिए। फिर भी आपको बता दें कि इतना विशाल लक्ष्य होने के बावजूद जब बांग्लादेश की टीम मैदान में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उस टीम की शुरुआत काफी ज्यादा जोरदार रही। पारी के पहले 10 ओवर में तो बांग्लादेश की टीम की सलामी जोड़ी टूटी नहीं थी, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने 10वें ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर बांग्लादेश की टीम की सलामी जोड़ी की कमर तोड़कर रख दी। लगी इस दौरान लिटन दास, जो कि ओपनर बल्लेबाज है, वह अपनी पारी में 73 रन लगा चुके थे, लेकिन सलामी जोड़ी के टूटने के बाद केवल एक खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर पाया और वह था मुशफिकुर रहीम। रहीम ने इस मुकाबले में 94 गेंदों का सामना करा और 90 रन अपनी पारी में जुटा लिए थे। यह रन भी बांग्लादेश की टीम को जिताने में कम पड़ गए जब वह अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कि पारी के 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जोरदार फिरकी गेंद से मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर दिया था। और दोस्तों, उसी समय बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को 95% तो हार ही चुकी थी। साथ ही आपको बता दें कि सलामी जोड़ी के बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम के अलावा ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं रहा जो कि अपनी पारी में 10 से ज्यादा रन लगा पाया हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 221 रनों पर अब बांग्लादेश की टीम के 8 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों, फिर अंत में बांग्लादेश की टीम के बचे कुचे 2 बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके। आपको बता दें कि अंतिम ओवर तक तो बांग्लादेश की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 95 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की टीम की हार के बाद जहां एक तरफ भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई एक ऐसा भी खिलाड़ी है जो कि भारतीय टीम की जीत से खुश नहीं। दोस्तों, यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश की टीम के कप्तान मशरफ मुर्तजा हैं। साथ ही जहां एक तरफ इस समय धोनी की जबरदस्त फॉर्म की तारीफ की जा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी जो करके दिखाई, तो वहीं मशरफ मुर्तजा का मानना है कि खास तौर पर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से ही उनकी टीम इस मुकाबले में हारती हुई चली गई। आपको बता दें कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी के बारे में बातचीत करते हुए मुर्तजा ने कहा, जिस तरीके से दूसरे अभ्यास मुकाबले में हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के आगे प्रदर्शन करके दिखाया वह बेहद ही शर्मनाक है। ना तो हमारी टीम की गेंदबाजी और ना ही बल्लेबाजी भारतीय टीम के बराबर थी। साथ ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई और खास तौर पर धोनी ने हमारी टीम की हार में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया है, क्योंकि समय पर हमारी टीम के गेंदबाजों ने मुकाबले में शुरुआती दौर में ही पकड़ बना ली थी, लेकिन धोनी ने बड़ी समझदारी से केएल राहुल के साथ मिलकर बैटिंग करी और एक भीम का लक्ष्य हमारी टीम को दिया। दोस्तों, इसके बाद जब रिपोर्टर ने मुर्तजा से यह पूछा कि आखिरकार उनकी नजरिए में इस प्रैक्टिस मुकाबले में उनकी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, तो इस बात का जवाब देते हुए मुर्तजा ने कहा कि मेरे नजरिए में तो हमारी टीम की हार का बस एक ही मुख्य कारण रहा और वह थे महेंद्र सिंह धोनी। इस खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद मैदान में वह जिस तरीके से अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहे थे वह वाकई में उम्दा है। इतना ही नहीं, धोनी भाई ने तो कप्तानी करते हुए हमारी टीम की गलतियों को भी पहचान लिया था। उन्होंने ना सिर्फ हमारी टीम की फील्डिंग को सेट करा बल्कि अपनी टीम के गेंदबाजों को भी ढंग से गेंदबाजी करने की सलाह देते रहे। जब तक धोनी भाई टीम का हिस्सा रहेंगे भारतीय टीम को हराना उतना ज्यादा ही मुश्किल होता जाएगा। दोस्तों, अब तो विरोधी टीम के कप्तान भी मानने लगे हैं कि जब तक धोनी टीम में है तब तक भारतीय टीम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी इस बार भारतीय टीम को विश्व कप पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी की इसी 113 रनों की तूफानी पारी के दौरान मैदान में एक मजाकिया वाक्य भी घटा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी बात है पारी के 40वें ओवर की। 40वें ओवर तक महेंद्र सिंह धोनी 47 गेंदे खेलकर 60 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही जैसे ही 40वें ओवर को डालने आए गेंदबाज शब्बीर रहमान, तो इस ओवर की पहली गेंद को खेलने के लिए भी स्ट्राइक पर खड़े थे महेंद्र सिंह धोनी। इस ओवर की पहली गेंद को डालने के लिए जैसे ही शब्बीर रहमान ने अपना रन पूरा कर लिया, तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हंसते हुए शब्बीर रहमान को हाथ दिखाने लगे और उन्हें ढंग से फील्डिंग सेट करने की सलाह देने लगे। दरअसल शब्बीर रहमान को इशारा करते हुए धोनी ने अपने हाथ से यह बताया था, स्क्वायर पॉइंट लेग पर बांग्लादेशी टीम का एक फील्डर ढंग से अपनी पोजीशन पर नहीं खड़ा हुआ, वह कहीं भी बीच में खड़े होकर फील्डिंग करने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कटपटी बात है और महेंद्र सिंह धोनी ने इस बात को तभी पकड़ लिया। धोनी ने शब्बीर रहमान को इशारा कर दिया और हंसते हुए उस गेंद को खेलने से इनकार भी कर दिया। बस फिर क्या होना था, गेंदबाज शब्बीर रहमान ने भी धोनी की बात सुनी और फील्डर को स्क्वायर लेग की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि महेंद्र सिंह धोनी केवल भारतीय टीम की कप्तानी पर
ध्यान नहीं रखते, वह विरोधी टीम की कप्तानी पर भी ध्यान रखते हैं, साथ ही किस तरीके से विरोधी टीम की फील्डिंग सेट है इस बात का पता तो महेंद्र सिंह धोनी को हर गेंद पर रहता है, यह पता चल चुका है इस नमूने को देखकर। जिसके बाद हर जगह इसी बात की खबरें सामने आ रही है कि धोनी केवल भारतीय टीम की नहीं बल्कि मैदान पर विरोधी टीम की भी कप्तानी करते हैं। दोस्तों धोनी की इसी कप्तानी को देखते हुए आप सभी को क्या लगता है, आज कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से आप सभी को कौन एक बेहतर कप्तान लगता है, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन अब जो मुद्दा हर जगह उठ रहा है वह महेंद्र सिंह धोनी के 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने को लेकर। दोस्तों आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी जब 5वें नंबर पर इतनी जोरदार बल्लेबाजी कर सकते हैं तो उनके फेवरेट 4थे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अगर उन्हें भेजा जाए तो क्या अंजाम रहेगा। अब इसी मुद्दे पर रवि शास्त्री ने भी अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि जब टीम के दोनों ही अभ्यास मैच खत्म हो गए तो टीम के कोच व कप्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रवि शास्त्री से जब इस बात का सवाल किया गया कि आखिरकार धोनी को 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवि शास्त्री ने कहा, जिस तरीके से हमारी टीम ने अभ्यास मैचों में प्रदर्शन करके दिखाया मैं उससे बेहद ही संतुष्ट हूँ। यकीनन पहले अभ्यास मुकाबले में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने कुछ गलती करी लेकिन फिर बांग्लादेश की टीम के खिलाफ जिस तरीके से टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपनी गलतियों पर काम करके अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया उससे पता चलता है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों में वर्ल्ड कप को जीतने की कितनी ज्यादा भूख है। लेकिन जब बात आ जाती है महेंद्र सिंह धोनी के 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने की तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ यह फैसला हमेशा ही टीम के कप्तान और फिर टीम मैनेजमेंट का रहेगा। इस समय धोनी इतनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं कि अगर उन्हें 7वें नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाए तो वह उसी तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाएंगे जिस तरीके से वह 3रे 4थे या फिर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल धोनी अच्छी फॉर्म में और उनके लिए कोई भी पोजीशन बैटिंग करने के लिए मैटर नहीं करती, परंतु फिर भी अंतिम फैसला वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों के लिए तो कप्तान व टीम मैनेजमेंट का ही रहेगा। दोस्तों रवि शास्त्री ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि कप्तान विराट कोहली चाहें तो धोनी को 4 नंबर पर भी भेज सकते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों के लिए विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी को 4 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब महेंद्र सिंह धोनी से यह पूछा गया कि आखिरकार वह अपनी टीम को विश्व कप कैसे जिताएंगे, महेंद्र सिंह धोनी ने इस बात का बेहद ही आसान व खास जवाब दिया। आपको बता दें कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी ने कहा, जिस तरीके से पहला मुकाबला हारने के बाद हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अपने दूसरे अभ्यास मैच में प्रदर्शन करके दिखाया वह वाकई में काबिले तारीफ है। यह दर्शाता है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों ने अपनी गलतियों पर काम करना सीख लिया है, साथ ही इससे न सिर्फ हमें विश्व कप जीतने में मदद मिलेगी बल्कि हम आगे होने वाले सभी मुकाबलों में भी विरोधी टीम को हराने का दम रखते हैं। जीत का श्रेय मैं टीम के हर एक खिलाड़ी को देना चाहता हूं क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के लिए सबने बराबर की मेहनत जो करी है। तो इसके बाद जब रिपोर्टर ने धोनी से यह पूछा कि आखिरकार जब वह अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं तो वह अपनी टीम को वर्ल्ड कप कैसे जिताएंगे, तो इस बात का हंसकर जवाब देते हुए धोनी ने कहा कि मैं अभी अपनी पुरानी फॉर्म में वापस से लौट आया हूं और हमारी टीम को जिताने के लिए बस इतना काफी है। दोस्तों इतना कहते हुए धोनी हंस पड़े और उन्होंने आगे कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर आपको वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीतना है तो आपकी टीम को एकजुट होकर हर मुकाबले में प्रदर्शन करना होगा। यह बात तो तय है कि आपकी टीम हर मुकाबला जीते यह मुमकिन नहीं, लेकिन आपकी टीम हर मुकाबले में पहले से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सके यह मुमकिन है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर मुकाबले में और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शन करें और विश्व कप जीतकर ही घर लौटें। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दिया गया यह जवाब ही काफी है विरोधी टीम को बताने के लिए कि आखिरकार भारतीय टीम जीतने के लिए ही आई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी इस बार का वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जिता पाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपको बता दें कि मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान विराट कोहली ने सारा श्रेय दिया तो धोनी को, जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने कुछ अपने ही अंदाज में आज धोनी की तारीफ करी। आपको बता दें कि मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने धोनी के बारे में बातचीत करते हुए कहा, पहले प्रैक्टिस मुकाबले में हार के बाद जिस तरीके से टीम के सभी खिलाड़ियों ने दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में प्रदर्शन करके दिखाया वह वाकई में काबिले तारीफ है। इस बात में कोई शक नहीं कि आज दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम के गेंदबाज हम पर एक समय पर हावी हो गए थे, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर जिस तरीके से केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय टीम के लड़खड़ाते बल्लेबाजी क्रम को संभाला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, उससे पता चलता है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों को कितना ज्यादा अनुभव है। केएल राहुल ने भी एक शतकीय पारी खेली, साथ ही धोनी भाई ने तो कमाल ही कर दिया। मैं खुश हूं कि हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है और टीम के सभी बल्लेबाज इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जब रिपोर्टर ने विराट कोहली से यह पूछा कि आपकी नजर में मुख्य कारण आपकी जीत का क्या रहा, तो इस बात का जवाब देते हुए विराट कोहली ने कहा, मैंने अभी अभी आपको बताया महेंद्र सिंह धोनी। धोनी भाई ने इस मुकाबले में केवल 78 गेंदों का सामना करके 113 रनों की पारी खेल दी। ऐसा लग रहा था कि मानो एक समय पर हम एक T20 मुकाबला देख रहे हैं। उनके लिए बेहद ही खुश हूं कि वह अपनी पुरानी फॉर्म में ही आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वह वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में इसी तरीके की बल्लेबाजी जारी
जारी रख सकें। तो उम्मीद है कि हम आने वाला पहला मुकाबला जो कि 5 जून को खेला जाना है उसको भी जरूर जीत पाएंगे। दोस्तों विराट कोहली ने अपने बयान में धोनी की जमकर तारीफ करी और आखिरकार तारीफ हो भी क्यों ना। धोनी ने शतकीय पारी खेलकर एक बार सबका दिल जो जीत लिया।